done with. उनको फोटो कर लेने तो पहले मकर संक्रांति मेरे लिए, मैंने जैसा अभी इंटरव्यू में बोला है कि मैं थोड़ी कंफ्यूज रहती थी बचपन में कि मकर संक्रांति और शबेरा सेम है, तो मैं सोचती थी जो हिंदू रिलीजन है वो लड्डू बनाते हैं और जो मुस्लिम है वो मिठाई या फिर हलवे बनाते हैं, तो अभी मुझे पता चलता है कि नहीं 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 ये सब अलग है और इस पर पतंग उड़ाई जाती है और बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है इन हिंदू रिलीजन में, इवन इन मुस्लिम आल्सो बहुत सेलिब्रेट करते हैं, मैं भी सेलिब्रेट करती हूँ, तो देखेंगे मनाएंगे। तो क्या कुछ प्लान्स होते हैं कुछ खाने में, मतलब क्या कुछ होता है उसके बारे में? मैं ज़्यादा फूडी नहीं हूँ लेकिन जब दिल चाहता है तो बहुत खाना खाती हूँ, कभी कभार मतलब मंथ में एक दो बार अच्छे से खाना खा लेती हूँ, उस बार मैं सोचती नहीं हूँ कि कितना खा लिया क्या कर लिया क्योंकि वो मैं नेक्स्ट डे कवर अप कर लेती हूँ, तो देखेंगे अच्छा ही खाना बहुत लड्डू तो ज़रूर खाऊंगी मैं। कोई फेस्टिवल या कोई त्यौहार आता है तो आपके लिए कितने मायने रखता है, आप कितना उसे एंजॉय करती हैं? मैं बहुत इंजॉय करती हूँ वो किसी भी रिलीजन का हो, मुझे बड़ा मज़ा आता है चाहे दिवाली हो होली हो और ईद तो मेरा फेवरेट है, तो मैं बहुत अच्छे से इंजॉय करती हूँ। इसके अलावा मैं और जो रिसेंटली मूवी आई है अभी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, काफ़ी विवादों में वो फिल्म भी, इसके लिए क्या कहना है आपको कि इन सब चीज़ें जैसे सेंसर बोर्ड क्लियर हो चुका है तो फिर पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है और दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे की फिल्म है वो बोलते हैं हम सेंसर में डालेंगे नहीं डायरेक्ट रिलीज करेंगे, तो इन दोनों फिल्मों के लिए क्या ओपिनियन है आपके? मुझे नहीं पता कौन सी मूवी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट नो, अनुपम खेर की फिल्म है ये मैम, मैं तो फिलहाल इन सब चीज़ों ये जब चीज़ें नहीं पता तो उसके ऊपर कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ अगर उसके बारे में थोड़ा सा भी मुझे जड़ पता होती कि हाँ ऐसा है तो फिर मैं जवाब दे सकती थी। इसके अलावा अगर मकर संक्रांति आपको मनाना हो तो किस सेलिब्रिटी के साथ मनाना चाहेंगे आप? सलमान के साथ और किसके साथ, वही सबसे बेस्ट है हमारे लिए, चैलेंज भी किया हुआ है थोड़ा, ऑब्वियसली सलमान के साथ पतंग उड़ाना तो मतलब मजा आ जाएगा, मतलब पतंग को भी मजा आएगा कि हमारी डोरी कौन पकड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच मेरी आवाम को जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है, इतना ज़्यादा प्यार करती है और मैं ऐसे ही आप लोगों को इंटरटेन करती रहूँगी। Done? Done? Done, guys. Thank you.
It's different. That is different. This is Delhi trans. All are different.